हेलो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम टेम्परेचर चेंज और इनर्ड गैस एडिशन के इफ़ेक्ट के बारे में पढ़ेंगे इक्िबियम पर टेम्परेचर चेंज का इफेक्ट क्या होता है यह समझने के लिए हम इस रिएक्शन का एक एग्जाम्पल लेते हैं आप देख सकते हैं इस रिएक्शन के लिए एंथेल्पी चेंज की वैल्यू नेगेटिव है यानी रिएक्शन एक्सोथर्मिक नेचर का है यदि हम 298 नाइन्टी पर इस इक्विब्रियम का एक मिक्सचर लें और इसका टेम्परेचर डिक्रीज करें तो लीशटेलियस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इक्विब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी जिससे कि हम इक्विब्रियम का टेम्परेचर बढ़ा सकें, सेंस रिएक्शन एक्जोथर्मिक नेचर की है यानी फॉरवर्ड रिएक्शन होने पर हीट रिलीज होती है तो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए इक्लिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिसके कारण इक्लिब्रियम मिक्सचर का ब्राउन कलर फेड होने लगेगा वहीं अगर हम इक्लिब्रियम मिक्सचर का टेम्परेचर इंक्रीज करें तो इक्लिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी क्योंकि फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक नेचर का है तो बैकवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक नेचर का होगा जिसमें हीट एब्जॉर्ब होगी और मिक्सचर का टेम्परेचर डिक्रीज होने लगेगा सिंस रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो रही है तो और NO2 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं जिसके कारण मिक्सचर का ब्राउन कलर और ज़्यादा गहरा हो जाता है तो चलिए टेम्परेचर चेंज के इफ़ेक्ट को इस टेबल की हेल्प से समझते हैं यदि फॉरवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक नेचर की है तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी वही एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए टेम्परेचर डिक्रीज करने पर रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी क्यों वही अगर हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन के बारे में बात करें तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर एकब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगा वहीं एक्सोथर्मिक रिएक्शन के केस में टेम्परेचर डिक्रीज करने पर इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होगी तो चलिए देखते हैं यदि हम इक्विलिब्रियम में इनर्ट गैस ऐड करें तो क्या इफेक्ट होता है इक्विलिब्रियम पर इनर्ट गैस हम दो तरीके से ऐड कर सकते हैं जिसमें एक है कांस्टेंट वॉल्यूम पर वहीं दूसरा तरीका है कांस्टेंट प्रेशर पर यदि हम कांस्टेंट वॉल्यूम पर इनर्ट गैस ऐड कर रहे हैं तो सिस्टम का वॉल्यूम कांस्टेंट रहने के कारण रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोलर कंसंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है तो इक्विलिब्रियम अनडिस्टर्ब रहता है अगर हम इनर्ट गैस को कांस्टेंट प्रेशर पर ऐड करें तो सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ जाता है जिसके कारण रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट के मोलर कंसंट्रेशंस और पार्शियल प्रेशर डिक्रीज़ होने लगते हैं इस केस में एक्ब्रियम ठीक उसी तरह से शिफ्ट करेगा जैसा कि इंक्रीज़ इन वॉल्यूम के केस में करता है तो चलिए इंक्रीज इन वॉल्यूम के कॉन्सेप्ट को एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं यदि डेल्टा एन की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है तो वॉल्यूम इंक्रीज करने पर इक्लिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होती है वहीं अगर डेल्टा एन की वैल्यू लेस देन जीरो है तो वॉल्यूम इंक्रीज करने पर इक्लिब्रियम बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होती है अगर डेल्टा एन की वैल्यू जीरो है तो वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज करने पर इक्विलिब्रियम पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है यदि इक्विलिब्रियम में कोई कैटलिस्ट ऐड करें तो क्या इफ़ेक्ट पड़ता है सबसे पहला सवाल यह आता है कि हमें कैटलिस्ट यूज़ क्यों करना पड़ता है इसको समझने के लिए हम इस रिएक्शन का एग्जाम्पल ले सकते हैं इस रिएक्शन के लिए केसी की वैल्यू 1.7 पॉइंट सेवन इंटू टेन रेस्टू पावर ट्वेंटी सिक्स है तो यह रिएक्शन ऑलमोस्ट कम्प्लीशन की तरफ जाएगा लेकिन यह रिएक्शन बहुत ही स्लो रेट से होता है तो इक्लिब्रियम अचीव करने के लिए बहुत ज़्यादा समय लग जाता है तो इस समय को रिड्यूस करने के लिए ही हम कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं इसको हम इस ग्राफ की हेल्प से समझ सकते हैं जिसमें हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की एनर्जी को रिएक्शन कोऑर्डिनेट पर प्लॉट करते हैं रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमें कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ती है जिसे हम एक्टिवेशन एनर्जी फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन कहेंगे सिंस यह रिएक्शन रिवर्सिबल है तो प्रोडक्ट वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो सकता है तो इसके लिए भी हमें कुछ एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी जिसे हम एक्टिवेशन एनर्जी फॉर बैकवर्ड रिएक्शन कहेंगे यदि हम इस रिएक्शन में कैटलिस्ट ऐड करते हैं तो यह रिक्वायर्ड एनर्जी को डिक्रीज कर देता है तो अब फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए एक्टिवेशन एनर्जी घटकर ई ए एफ कैटलिस्ट के इक्वल रह जाती है वहीं बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए भी एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू घटकर ई ए बी के इक्वल हो जाती है यदि हम इस ग्राफ को ध्यान से देखें तो कैटलिस्ट ऐड करने पर फॉरवर्ड डायरेक्शन के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी जितना डिक्रीज हुआ है एग्जैक्टली exactly उतनी ही एनर्जी बैकवर्ड डायरेक्शन के लिए भी डिक्रीज हुई है तो हम यह कह सकते हैं कि कोई भी कैटलिस्ट फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन को सेम तरीके से अफेक्ट करता है इस केस में इक्विलिब्रियम अनडिस्टर्ब रहेगा हाँ फर्क इतना होगा कि इक्विलिब्रियम काफी पहले अचीव हो जाएगा तो चलिए हमने इस टॉपिक में जो भी पढ़ा है उसको समराइज कर लेते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दो तरह के होते हैं के पी और के सी जिनको हम कुछ इस तरह से लिखते हैं केपी और के सी के बीच में रिलेशन होता है केपी इज इक्वल टू के सी इन टू आर टी टू दावर डेल्टा एन जी यदि हम किसी रिएक्शन को रिवर्स करते हैं तो उसका इक्विब्रियम कांस्टेंट ओरिजिनल इक्विब्रियम कांस्टेंट का रेशी होता है वहीं अगर किसी रिएक्शन को हम किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो नया इक्विब्रियम कांस्टेंट ओरिजिनल इक्लेब्रियम कांस्टेंट टू पावर दैट नंबर के इक्वल आ जाता है यदि हम दो रिएक्शंस को ऐड करते हैं तो फॉर्म होने वाली रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दोनों रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के प्रोडक्ट के इक्वल आता है अगर रिएक्शन कोसेंट क्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के के इक्वल है तो रिएक्शन इक्विलिब्रियम में होती है अगर क्यू की वैल्यू के से छोटी है तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होता है वहीं अगर क्यू के से बड़ा है तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट होती है इक्लिब्रियम कांस्टेंट की हेल्प से हम किसी भी रिएक्शन का स्टैंडर्ड गि एनर्जी भी बता सकते हैं यदि हम किसी भी भीम को डिस्टर्ब करते हैं तो प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग इक्लिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिससे हम चेंज के इफेक्ट को कम कर सकते हैं इन सारे कॉन्सेप्ट की हेल्प से आप इन सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं